नौ वर्ष के प्रथम दिवस शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भारी संख्या में श्रद्धालु गोरखनाथ बाबा के दर्शन के लिए कतार लगाकर खड़े रहे और गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए। आपको बता दें कि नौ वर्ष 2021 के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर में सुबह से ही दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। भारी संख्या में श्रद्धालु गोरखनाथ बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लेकर ही अपने दिन की शुरुआत करते नजर आए। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर प्रबंधन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जो भी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहा था उनको सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कतारबद्ध बारी बारी से गोरखनाथ बाबा के दर्शन करवाया जा रहा था। वहीं गोरखनाथ बाबा के दर्शन कर निकल रहे श्रद्धालुओं से बात करने पर उन्होंने बताया कि साल के पहले दिन गोरखनाथ बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लेने से पूरा साल अच्छा गुजरता है और मन को शांति मिलती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रद्धालुओं ने कहा, अरे नया साल क्या अच्छा है। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, वैशाली डिस्ट्रिक्ट लालगंज वैशाली से हूँ मैं, बिहार, और मैं आया हूँ गोरखपुर। इस बार अयोध्या निकलने वाले हैं शाम में और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आ करके और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा गोरखपुर की। और मैं सबसे यही कहूँगा कि नया साल के हार्दिक अभिनंदन 2021 के लिए, और सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि यहाँ आकर के दर्शन अवश्य करें गोरखनाथ जी के। मेरा नाम है ब्रजेश पांडे। लोगों से यही कहना चाहूँगा कि नए साल की पहले दिन की शुरुआत यहीं से करनी चाहिए ताकि गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद लोगों को बना रहे, उनकी ज़िंदगी में नए साल का सवेरा नया नया हो। शोभा गौर। दर्शन करने के लिए आप आए हैं यहाँ पे? हाँ। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ भाड़ है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मान्यता भी है कि यहाँ पे अधिकतर लगाते हैं? मानता भी है यहाँ पे।